कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर निकल के आता है वो ट्रेन का मुद्दा है। कैसे, देखिए। विकास के मुद्दे पर ताल ठोक रही भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। खास तौर से जो विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में ज्यादा मजबूती के साथ हैं, वहां का कोई भी मुद्दा भाजपा या कांग्रेस अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती है। सबसे अहम मुद्दा टोंक विधानसभा क्षेत्र को लेकर के उठ खड़ा हुआ है, जहां पर सचिन पायलट और भाजपा के यूनुस खान आमने सामने है। मतदान के बाद सचिन पायलट ने टोंक को रेलवे की सौगात देने की क्या बात कही, भारतीय रेल मंत्री उसका जवाब देने के लिए मैदान में उतर आए। टोंक विधानसभा क्षेत्र में रेल एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ा दांव भी खेल दिया। सचिन पायलट ने कह दिया कि हमारी सरकार बनती है तो टोंक को रेलवे की सौगात देंगे। ऐसे में सचिन पायलट का जवाब देने के लिए खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल उतर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादों की पटरी पर सिर्फ रेल का झुनझुना लेकर चलती है, जबकि भाजपा काम करती है। रेल मंत्री ने कह दिया कि 2009 से 2014 तक 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ कांग्रेस ने इस क्षेत्र के विकास के लिए किए थे, जबकि भाजपा ने चार सालों में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस की सरकार के समय रेलवे में जिस प्रकार से काम होता था उसकी मैं एक आपको झलक दे देता हूं, जिससे टोंक के सभी नागरिकों को ध्यान में आएगा कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है और फिर एहसान फरामोश रह के कि कोई वादे को पूरा नहीं करती है। कांग्रेस के समय में राजस्थान में सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए 5 वर्ष में राजस्थान में अलग अलग विकास कार्य में रेलवे में लगे, और जब मोदी जी की सरकार आई राजस्थान में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के काम सिर्फ एक प्रदेश में होने जा रहे। बात टोंक विधानसभा की कर लें तो सचिन पायलट के इस विधानसभा क्षेत्र से मैदान में आ जाने के बाद टोंक सियासत का पारा चढ़ गया है। राजस्थान में वसुंधरा के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री यूनुस खान टोंक में सचिन पायलट के प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में यह द्वंद भी साथ साथ चल रहा है कि अगर विकास के आधार पर ही राजस्थान के चुनाव को लड़ा गया तो टोंक में विकास की जो गंगा बहानी है उसमें कहीं रेल भाजपा को डिरेल न कर दे। ऐसे में सभी लोग इस विषय को लेकर मजबूती से डटे हुए हैं कि रेल को लेकर के सचिन पायलट कोई ऐसा बयान फिर दें तो बीजेपी उसके लिए मजबूत रणनीति के साथ तैयार रहे, ताकि मुद्दों को बताने में कभी भी बीजेपी को बेपटरी न होना पड़े। टोंक जिले की पुरानी मांग है यहाँ रेलवे लाइन चलाने के लिए, तो मैंने कहा मेरे अजमेर के साथियों से पूछो, जो 40 साल पुरानी वहाँ हवाई अड्डे की मांग थी उसको मैंने पूरा किया, जब अजमेर में हवाई अड्डा बना सकते हैं तो टोंक में रेलवे क्यों नहीं लगा सकते। बहरहाल राजस्थान की सियासत में बिछ रही राजनीतिक बिसात के लिए मुद्दों की पड़ताल तो तेजी से हो रही है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी सवाल पर जवाब देने के लिए भाजपा जितनी आतुर दिख रही है उससे बीजेपी की विकास पर छटपटाहट तो सामने आ ही जा रही है कि सचिन के रेल के मुद्दे पर टोंक की जनता कहीं बीजेपी को डिरेल न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट